पहला पत्रस दूसरा अध्याय 1 से 25 तक। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जैसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी अब जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुठिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अय्यूब 33:1-33 तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगी। जो ज्ञान मैं रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सन्मुख तेरे तुल्य हूँ, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। सुन, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है और न तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझमें अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के धाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पाँवों को काठ में ठोंक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है।
तू उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियाँ जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। तब वह कब्र के निकट पहुँचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिछवई स्वर्गदूत मिले जो हजार में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए, तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजाले को देखेगा। देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ दो बार क्या वरन तीन बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए। हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूँगा। यदि तुझे कुछ कहना हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊँगा। अय्यूब 34 अध्याय 1 से 37 तक। फिर एलिहू यूँ कहता गया, हे बुद्धिमानों मेरी बातें सुनो और हे ज्ञानियों मेरी बातों पर कान लगाओ, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन ले, जो भला है हम आपस में समझ बूझ ले, क्योंकि अय्यूब ने कहा है, मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ, मैं निरपराध हूँ परंतु मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्य की संगति रखता है? क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निस्संदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहदारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यदि तुझ में समझ है तो ये सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी है क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है क्या तो उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है, तू नीच है और प्रधानों से तुम दुष्ट हो। परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछपाछ के चूर चूर करता है और उनके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं।
वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया। यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दुहाई उस तक पहुँची और उसने दीन लोगों की दुहाई सुनी। जब वह चुप रहता है तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जब वह मुँह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका बराबर का व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे और प्रजा फंदे में फंसाई न जाए। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूँगा? जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूँगा। क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए? क्योंकि तू उससे अप्रसन्न है, क्योंकि तुझे निर्णय करना है न कि मुझे। इस कारण जो कुछ तुझे मालूम है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे, अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं कहता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं, क्योंकि वह अपने पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। भजन संहिता 40 अध्याय 1 से 8 तक। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुँह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेलबलि और अन्नबलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होमबलि और पापबलि तूने नहीं चाहा, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है।